हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस क्लास में मोस्ट वेलकम है। और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। देखिए फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है वो बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th क्लास के स्टूडेंट्स को भी प्रॉफिट होता है। और देखिए, यूनिट फर्स्ट चैप्टर सेकेंड और मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के बेस पर आप समझते हो कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते क्या है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, या फिर ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बीच क्या क्या होता है, कैसे कोई बॉन्ड टूटता है या कैसे कोई बॉन्ड जुड़ता है, कहां पर होमोलिटिक फ्यूजन, कहां पर हेटेरोलिटिक फ्यूजन, कहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और देखिए दोस्तों, इस चैप्टर के अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक जो कि पढ़ने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक फ्यूजन। ये होता क्या है, जैसे कि आप सभी को बताया कि एग्जाम पेपर में दो दो नंबर में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि होमोलिटिक या हेटेरोलिटिक फिजन होता क्या है, इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। या फिर देखिए उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएजेंट, जैसे या फिर इलेक्ट्रोफाइल्स या न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, जैसे टाइप ये जो रिएजेंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स, तो इनके बारे में भी दो दो नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। या फिर पूछ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन चार प्रकार की होती है जिसे मैं इसमें डिस्कस करूंगा, कौन कौन सी होती है, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, कौन कौन सी होती है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए उसके बाद एक बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब क्रियाविधि, किसी भी रिएक्शंस के बीच या कोई भी रिएक्शंस कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है, 1 step, 2 step, 3 steps, वो उसका मैकेनिज्म कहलाता है। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले इसमें जो बीएससी फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन आता है SN1 या SN2 मैकेनिज्म के बारे में हमें बताइए, तो उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर इसमें इसी के अंदर टॉपिक आता है मार्को और एंटी मार्कोनिकोफ रूल। एक तो मार्कोनिकोफ रूल होता है और एक एंटी मार्कोनिकोफ रूल होता है, जिसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ और वीडियो भी बना चुका हूँ, तो ये भी इसी के अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत आता है। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, या फिर एल्कोहल का डिहाइड्रेशन की क्रिया विधि बताइए। अरे एक और लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। देखिए दोस्तों, किसी भी रिएक्शन के बीच, रिएक्शन होने के बाद कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं, उनके बारे में भी इस पूरा जो चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। जैसे कार्बिन्स, नाइट्रीन, कार्बोकटाइन्स, इस तरह की जिसमें स्पीसीज होती है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट कहलाती हैं, इन्हीं के बारे में इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करूंगा। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक फ्यूजन के बारे में। अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे कि आखिर ये फ्यूजन होता क्या है, या किसी कोवेलेंट बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। दोस्तों, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की बराबर शेयरिंग, जैसे हमारे पास एटम ए है और हमारे पास एटम बी है, ठीक है, ये एटम एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, अब इसने एक शेयरिंग करके आपस में इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की और इनके बीच एक बॉन्ड बन गया, मतलब कि बराबर शेयरिंग, इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी या बराबर शेयरिंग जो हुई है उसके एक बॉन्ड बनता है, जिसे हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, इसे हम सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बीच जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिफरेंट होती है। अगर सपोज कीजिए, अगर ए ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो उसे हम कहेंगे होमोलिटिक फ्यूजन, अगर डिफरेंट है तो एक पर आ जाएगा माइनस चार्ज और एक पर आएगा प्लस चार्ज। सपोज कीजिए बी की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज्यादा है तो बी पर आ जाएगा माइनस चार्ज और ए पर आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जो माइनस चार्ज, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, तो इसलिए इसे हम बोलेंगे हेटेरोलिटिक फ्यूजन। तो इसी के बारे में मैं विस्तार से वर्णन करूंगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग डालना है होमोलिटिक फिजन होता क्या है, या होमोलिटिक फिजन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, मैंने आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड पर ही आधारित है। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है, कोई एटम ए है, कोई एटम बी है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, इनके बीच आपस में एक बॉन्ड बन गया, एक इलेक्ट्रॉन इस ए का है और एक इलेक्ट्रॉन बी का है, आपस में शेयरिंग हुई, ये इलेक्ट्रॉन बन गया, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। So, हम होमोलिटिक फिजन क्या होता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड अंडरगोज होमोलिटिक फिजन व्हेन ईच ऑफ द टू सेपरेटिंग एटम टेक्स अवे वन इलेक्ट्रॉन विद वन ऑफ द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है, इसमें से जो एटम ए होता है और बी होता है, जब ये अलग होंगे, जब ये डिसोसिएट होंगे, या फिर जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, टूटेगा, तो वहां पर उन्होंने क्या किया था, स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया था, एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग की थी, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन अपना लेकर के चले जाएंगे। मतलब कि इन्होंने आपस में एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया था, एक इलेक्ट्रॉन बी ने दिया था, तो ए अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा और अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, देखिए दोस्तों,
जैसे ए और बी के बीच ये इस समय कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। इसे हम इस प्रकार से भी शो कर देते हैं, जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो दो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपको दिखाई दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक बॉन्ड बना रहा है जिसे हम सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जब इनके बीच होमोलिटिक फ्यूजन होगा, इसे हम होमोलिसिस भी बोलते हैं, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि होमोलिसिस क्या होता है तो घबरा कंफ्यूज मत होना कि होमोलिटिक या होमोलिसिस क्या होता है, दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन ए जो होता है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चलता बनता है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन अपना अपने पास रख लेता है और बी अपना अपने पास रख लेता है। दोनों की जो इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग हुई वो ए अपना रख लेगा और बी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के रखेगा। इस तरह की फ्यूजन से इस तरह के बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो उसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पर पढ़ के बता रहा हूँ नोट्स में से, हिंदी में हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिख लेंगे, नोट कर लेंगे जो हिंदी में पढ़ रहे हैं। वह प्रक्रिया जिनमें किसी कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से, मतलब वह प्रोसेस जिसमें किसी कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से टूटने से अलग होने वाला प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक परमाणु मतलब जो अलग हो रहे हैं, ये दो एटम है, ठीक है, परमाणु को इंग्लिश में एटम बोलते हैं, जैसे दो एटम है ये अलग होने वाले हैं, साझे के इलेक्ट्रॉन मतलब इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म या पेयर में से एक एक अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं होमोलिटिक फ्यूजन। वही बात दोस्तों एक बार फिर से दोहरानी पड़ रही है कि जैसे ए इलेक्ट्रॉन है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉनों की जो साझेदारी इन्होंने इनके बीच हुई थी, एक ने कहा कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के जाता हूं और दूसरे ने कहा मैं अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के जाता हूं, जब इनके बीच अलग हुआ, ठीक है। तो इस बात को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे ए और बी है, ठीक है, ये दोनों की जो एनर्जी है, जो इनके अंदर ताकत है वो सेम है, आप यहां पर इस प्रकार से समझ सकते हैं, इन दोनों के बीच जो ताकत थी वो बिल्कुल सेम थी। तो इन्होंने आपस में ₹1,00,000 इसने दिए और ₹1,00,000 इसने दिए और ₹2,00,000 में इन्होंने बिजनेस चलाया, और लास्ट में जब इनका बिजनेस जो है दोनों इस लायक हो गए कि अब नया बिजनेस खोल सकें, तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, ये दोनों अपना अपना ₹1,00,000 लेकर के चल दिए, क्योंकि अब ₹1,00,000 चाहता तो बी जो होता है वो ₹1,00,000 इसका छीन सकता था, बट लेकिन क्या है, इन दोनों की एनर्जी जो है, मतलब कि इनके जो ताकत है, जो जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है वो सेम है, इसीलिए ये जो होता है एक इलेक्ट्रॉन अपना लेकर के चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन ये अपना लेकर चला जाता है। तो इस तरह का जो फ्यूजन होता है, इस तरह का जो फिनोमिनन होता है, इस तरह की जो घटना होती है उसे हम बोलते हैं होमोलिटिक फ्यूजन। इसका एक एग्जांपल देकर बता रहे हैं, जहां पर ए और बी, एक बात और ध्यान रखेंगे, जो ए और बी है इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बिल्कुल सेम है, मतलब कि ये दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है। ये भी एक बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको ताकत वाली बात बताई वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, चलिए थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बता दो जिससे कि आप कंफ्यूजन ना हो। देखिए दोस्तों, जैसे एटम ए है, ठीक है, और एटम बी है, इनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड बना है, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, सपोज कीजिए कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के छीनकर ए से एक इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, छीनने के बाद अब इस पर दो इलेक्ट्रॉन हो गए ये, और इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज और इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्यारे दोस्तों ये है कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, मतलब इसके अंदर ताकत ज्यादा थी, इसलिए इसने खींच लिया, इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया, मतलब इसने जो आपस में इन्होंने जो ₹1,00,000 आपस में मिलकर के एक बिजनेस चलाया था ₹2,00,000 का, वो इसने लास्ट में ए से छीन लिया, और बी ने, बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण या ज्यादा ताकतवर होने के कारण इसका जो इलेक्ट्रॉन छीनने के बाद, अब इस तरह का जो फ्यूजन होगा वो हेटेरोलिटिक होगा, उसके बारे में भी मैं बताने वाला हूं। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो एटम जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है, और शेयरिंग पेयर के इलेक्ट्रॉन को, जिसे हम जैसे यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है इनके बीच बॉन्ड ब्रेक होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा, और इस पर आएगा माइनस चार्ज, जो छीनेगा उस पर माइनस चार्ज, जो अपने जिसका छीन जाता है, मतलब कि जैसे ए है, इसका इलेक्ट्रॉन उसने छीन लिया तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या बताता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका हूं, और नेगेटिव चार्ज क्या बताता है कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो मैंने किसी से छीना है, ठीक है। तो यहां पर ए और बी जो है सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस केस में होमोलिटिक फ्यूजन में, होमोलिटिक फ्यूजन वाले केस में जो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव थी, इन दोनों की जो ताकत थी वो बिल्कुल सेम थी, इसलिए इन्होंने एक दूसरे का जो पैसा है वो छीना नहीं था, एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन छीना नहीं था। तो इस तरह के केसेस में फ्री रेडिकल का निर्माण होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास जैसे क्लोरीन क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम है, ध्यान रखेंगे। इसकी आई थिंक 3 पॉइंट पोलिंग स्केल में आप देखोगे तो लगभग 3.5 या 3.5 के करीब, या 3 या 3.5 के करीब इनकी जो
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसके करीब आएगी। तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया। बॉन्ड बनाने के बाद अब इन्होंने जब इनका बिजनेस चल गया, वही बिजनेस वाली बात, इसमें 1,00,000 रुपए इन्होंने डोनेट किया और 2,00,000 का बिजनेस लाया। बिजनेस सही होने, अब ये इस लायक हो चुके हैं कि बिजनेस अब इन्हें अब अपना अलग बिजनेस करना है, तो ये दोनों अपना 1,00,000 रुपए लेकर के चल दिए। चलने के बाद इन्होंने इस प्रकार से फ्री रेडिकल का निर्माण कर लिया। तो ये कौन सी प्रक्रिया हुई? ये हुई होमोलिटिक फिजन, इसे आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं हेटेरोलिटिक फिजन के ऊपर, अब देखिए हेटेरोलिटिक फिजन क्या होता है, इसे हम हेटेरोलिसिस भी बोलते हैं। अगर किसी रिएक्शन में हेटेरोलिटिक फिजन हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं हेटेरोलिसिस। देखिए इसमें क्या होता है, व्हेन ए कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक इन ए वे, मतलब कि कोई कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह से टूटे दैट बोथ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर आर टेकन अवे बाय वन ऑफ द टू सेपरेटिंग एटम। जो अलग होने वाले जो एटम है उनमें से एक पूरा को पूरा जो लोन पेयर है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने तरफ खींच ले, या फिर चाहे एटम हो चाहे वो ग्रुप हो। तो इट सेड टू हैव ए अंडरगोज होमोलिटिक हेटेरोलिटिक फिजन। तो हम क्या कह सकते हैं इस रिएक्शन में क्या हुआ, हेटेरोलिटिक फिजन। देखिए अगर सिंपली वे में अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए जैसे ए और बी एटम है, ठीक है। अब इसके बीच इन्होंने आपस में 1,00,000 रुपए देकर के एक बिजनेस चलाया, मतलब कि एक एक इलेक्ट्रॉन देकर के एक बॉन्ड बनाया, ठीक है। अब इन्होंने अपन इसमें बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड बनाने के बाद अब जब इनका बिजनेस ये इस लायक हो गए कि ये अपना अलग बिजनेस कर सके दोनों, तो लास्ट में क्या हुआ कि जो ए होता है ये कम हो, मतलब कि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या फिर ये बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब कि इसमें से एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होनी चाहिए, विद्युत ऋणात्मकता जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो डिफरेंट होने चाहिए। मतलब इन दोनों में से दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होनी चाहिए। इस बॉन्ड हेटेरोलिटिक फिजन के लिए ये आवश्यक है कि जो दो एटम के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है वो उसकी जो विद्युत ऋणात्मकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो क्या होगा अगर सपोज कीजिए कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस जो ये इलेक्ट्रॉन ए का अपनी तरफ खींच लेगा इस प्रकार से, जैसे यहां पर दिखाई दे रहा है, ये इसका अपना इलेक्ट्रॉन अपने के साथ साथ, जैसे एक तो इलेक्ट्रॉन इसका 1,00,000 रुपए तो था ही, इसका भी 1,00,000 रुपए था, तो इसने क्या किया, दोनों के दोनों 2,00,000 रुपए थे वो इसने खींच लिए बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण, या फिर हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मजबूती, मतलब कि ये एटम ज्यादा मजबूत था, इसने क्या किया इस इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, मतलब कि दोनों 2,00,000 रुपए ये जबरदस्ती खींच लिया ए से। तो इसमें क्या हुआ, इस केस में यहां पर बी पर आएगा माइनस चार्ज और ए पर आएगा प्लस चार्ज। बी क्या कह रहा है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ए क्या कह रहा है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन खींच चुका, मतलब कि मैं एक इलेक्ट्रॉन खो चुका हूं। तो इसने यहां पर इसके बीच में क्या हुआ, इस रिएक्शन में हेटेरोलिटिक फिजन हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं, यहां पर हमारे पास है मिथाइल लिथियम CH3Li। अब इसके बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की बराबर शेयरिंग हुई, लेकिन लिथियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा कम, इससे कार्बन से कहीं ज्यादा गुना कम। तो ये इस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज, इस पर आएगा माइनस चार्ज। क्यों, क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, ये इसका इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो लिथियम होता है, ये इसका जो कार्बन होता है ये लिथियम का इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, तो इस पर आएगा माइनस चार्ज, इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इस पर प्लस चार्ज आएगा। तो इसे हम कहेंगे हेटेरोलिसिस। इस रिएक्शन में जो भी घटना हुई जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होने के कारण जो यहाँ पर घटना हुई, इस घटना में जो मिथाइल ग्रुप था वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण, या फिर जो हम डायरेक्ट कह सकते हैं जो कार्बन था वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो डेफिनेशन में किस प्रकार से लिखेंगे, जो हिंदी के जो मिक्सिंग पेपर देते हैं कुछ लोग, कुछ यूनिवर्सिटीज या कुछ कॉलेजेस में होता क्या है कि आपको मिक्सिंग भी लिखने के लिए दे दिया जाता है, या ज्यादा जो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में तो इंग्लिश में ही डेफिनेशन लिखते हैं, लेकिन कुछ कॉलेज जो है वो अलाउ कर देते हैं कि आप लोग मिक्सिंग लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों होता क्या है, हेटेरोलिटिक फिजन वह प्रोसेस जिसमें किसी कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से अलग होने वाले जो एटम में से साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम ले जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेटेरोलिटिक फिजन। एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि वह प्रोसेस वह प्रक्रिया जिसमें किसी कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से या अलग होने से या टूटने से टूटने वाले जो एटम है अलग होने वाले जो एटम में से साझे का इलेक्ट्रॉन, मतलब जो शेयरिंग किया था इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब पेयर होता है, जैसे पूरा जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम की ओर चला जाता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता वो एटम ले जाएगा। जैसे इसमें बी है और इसमें सपोज कीजिए हमने इसमें मान लिया कि बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसलिए
इसने बी को, बी ने इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, लोन जो साझे का इलेक्ट्रॉन था। अब इसमें ए था, हमने सपोज कर लिया कि इस रिएक्शन में ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें ए ने खींच लिया। तो यही होता है हेटेरोलाइटिक फिजन। हेटेरोलाइटिक फिजन किन्हीं दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होने के कारण होता है। हेटेरोलाइटिक फिजन के द्वारा आयंस का निर्माण होता है। आयंस का निर्माण, आयंस क्या होते हैं, जिन पर कोई पॉजिटिव या माइनस चार्ज हो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, ये हेटेरोलाइटिक और होमोलाइटिक फिजन आज आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसेस है, ऑर्गेनिक रिएक्शन या इलेक्ट्रोफाइल या ऑर्गेनिक रिएजेंट जो भी है, जो रिएक्शन में होने वाले, जो इस्तेमाल होने वाले जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और इस चैनल पर बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड 11th+12th के केमिस्ट्री के सिलेबस अपलोड किए जाते हैं।